हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप गाइस आप लोग भी अच्छे होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो आज है नवरात्रि का सेकेंड दिन, तो ये ब्लॉग हम शाम से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि शाम का जो ब्रह्मचारिणी भगवान जी का आरती है वही आप लोग को दिखाएंगे अभी। तो ब्लॉग में मेरे बने रहिए, तो आप लोग देख सकते हैं कि इधर शमर भी पढ़ाई कर रहा है अभी बैठ करके। तो चलिए सीधा आरती में और आप लोग को आरती दिखाते हैं भगवान जी का शाम का आरती। इधर देख सकते हैं कि हम लोग का शाम का भी आरती हो चुका है। इधर मम्मी प्रणाम कर दिया, नवरात्रि का सेकेंड दिन जो था ब्रह्मचारिणी भगवान जी का पूजा, उन्हीं का अभी आरती हो रहा था। तो अभी हम लोग का आरती उरती हो गया है और इधर मम्मी भी प्रणाम कर ली, इधर हमको प्रसाद भी मिल गया है और इधर विवांश को भी प्रसादी मिल गया, उसके पापा को भी, और पंडित जी इधर सबको प्रसादी दे रहे शुगर पेशेंट। तो इधर दादी प्रसादी नहीं ली थी, बाहर में बैठ गई है, तो दादी आपका प्रसादी लीजिए। प्रसादी है? हाँ टूट गया, लीजिए ना, जो टूटेगा पकड़ी हाथ में, जो टूटेगा खाइए। गाइस प्रसाद हम थोड़ा खा लेते हैं हम भी। तो इधर पापा पंखा बना रहे क्योंकि पंखा खराब हो गया था हम लोग को, तो इधर पापा पंखा जोड़ रहे क्योंकि बनवा करके ले आया है मार्केट से, तो लगा रहे हैं। युवान से भी हेल्प कर दे रहा अपना दादाजी का, ऐसे ना कर दीजिए। इधर पापा लेकर के आ गए हैं सबके लिए सिंघाड़ा और ये है चटनी, और इधर देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड जी भी खा रहे हैं सिंघाड़ा। तभी नवरात्र में बिना लहसुन प्याज कहीं देता, इसलिए पापा लेकर के आ गए थे हम लोग के लिए भी। और दादी को सिंघाड़ा टूटता नहीं है गाइस, इनका दांत से उतना, तो इसलिए पापा दादी के लिए आलू चॉप लेकर के आए थे, तो वही दादी बैठ के यहाँ आलू चॉप खा रही है बाहर में। हम लोग रात भी काफी ज्यादा हो चुका है, हम लोग का पूजा वूजा हो गया खत्म, तो उसके बाद फिर पापा लाए थे सिंघाड़ा, देख सकते हैं। तो इधर सिंघाड़ा खा रहे, इधर चाय भी लिए हुए हैं, तो ब्लॉग में आप लोग भी बने रहिएगा। इधर देख सकते हैं कि हम खाना पीना बनाने के लिए बैठे हुए हैं, तो इधर आलू उबालने के लिए चढ़ा दिए क्योंकि आलू और टमाटर का मम्मी का बनेगा चोखा, सिंपल नमक सीधा नमक और सूखा मिर्च डाल करके मम्मी को बना देंगे। इधर हमारा तेल गरम हो गया और इधर है फूलगोभी का पापा के लिए सिर्फ। हाँ पापा टमाटर है लेकिन कल ले लीजिएगा। तो इधर मिर्च को डाल दिए पहले तेल में और इधर गाइस हम लेकर के आए आलू, तो इधर आलू का भुजिया बनाएंगे, रोटी हम लोग के लिए है और पापा के लिए फूलगोभी का भुजिया, और इधर मम्मी के लिए टमाटर और आलू का चोखा और अरवा चावल का भात बनाएंगे मम्मी के लिए। इधर गाइस हम बैठ करके बना रहे हैं खाना पीना और इधर देख सकते हैं कि पापा बाहर बैठ करके युवाओं को खिला रहे, उधर मम्मी भी पीछे बैठी हुई है। तो इधर हम चलते जल्दी जल्दी अब बैठ करके भुंजिया उंजिया काट लेते हैं आलू को, और इसके बाद फिर फूलगोभी भुंजने के बाद भुंजिया बनाएंगे आलू का। इधर देख सकते हैं कि मेरा फूलगोभी का भुंजिया बन के हो गया है रेडी, इधर आलू काट के चढ़ा दिए हैं, तो इधर आलू का भुंजिया भी बना रहे हैं।
एकदम अचानक बहुत ज्यादा बारिश स्टार्ट हो गया पूरा। इधर दादी भी साइड में, अब हम लोग घर से पानी पार होने लगता पूरा, ये सब पक्का वाला। तो बहुत ज्यादा स्पीड बारिश होने लगा अचानक, और बिजली भी चमकने लग रहा है बीच बीच में। पूरा अचानक बारिश स्टार्ट हो गया, देख सकते कितना ज्यादा पूरा बारिश हो रहा है। फिर आप लोगों को दिख ही रहा होगा, इधर दादी भी खड़ा होगा। खाना पीना बन के हो गया है रेडी, तो सबको अभी खाना खा रहे हैं, तो आइए आप लोग को भी दिखाते हैं। तो इधर देख सकते कि मम्मी खा रही है अरवा चावल का भात और आलू टमाटर का चोखा। तो मम्मी बस एक टाइम ही नमक वाला खाना खाती है, बस रात में ही, दिन भर ऐसे ही रहती है। और इधर मेरे हस्बैंड जी भी खाना खा रहे हैं, तो रोटी और आलू का भुजिया। तो इधर देख सकते कि मेरी दादी भी खाना पीना खा ली और पानी पी रही है, और थोड़ा देर में अब हम खाएंगे। तो गाइस हम लोग सब कोई खाना खा लिए, लास्ट में यही बाकी है, तो अभी खाना लेकर के बैठी है। सबको खिला दिए, उसके बाद हम खा लेंगे। आई होप गाइस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल पे जो भी नया है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।